hello friends this is our english class and today we are going to learn a story of class 3rd the name of the story is the wind and the sun this is very interesting story and let's see what is in that story name of the story is the wind and the sun wind says sun कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन I आई कैन गेट coat ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन तो यहाँ पर विंड और सन के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है अब यहाँ विंड जो है वो सन को बोल रही है सन क्या तुम रोड पर चलने हुए उस आदमी को देख सकते हो आई कैन गेट coat ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन तो उसने बोला कि मैं उसका जो कोट है मोर क्विकली तुमसे भी ज़्यादा बहुत जल्द मैं उसका कोट उतार सकता हूँ मतलब देखिए यहाँ विंड को अपनी ताकत पर इतना ज़्यादा प्राउड है गुरूर है कि वो सन को चैलेंज करने लग गया कि मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ सन सेज़ सन स्माइलिंग एंड देन सेज We will see who is stronger. I will let you try first. तो देखिए इतना बड़ा सन है लेकिन इसको थोड़ा भी खुद की ताकत पे घमंड नहीं है उसने स्माइल करके बोला वी विल सी हु इज़ स्ट्रोंगर ठीक है हम मैं हम क्या करेंगे अभी देखेंगे कि हम में से स्ट्रोंगर कौन है देखिए यहाँ पर वर्ड्स यूज़ में आ रहे हैं मोर क्विकली स्ट्रोंगर तो ये सारे क्या है कंपेरेटिव में है कंपेरेटिव डिग्री यहाँ यूज़ हो गई है मतलब ये कंपेयर करने के लिए वर्ड यूज़ हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग यानि ताकतवर स्ट्रोंगर यानि उससे भी ज़्यादा ताकतवर तो वो बोलने लगा चलो हम देखते हैं आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट तो मैं तुम्हें फर्स्ट चांस देता हूँ तुम ट्राई करके दिखाओ सो विन पफिंग इज cheeks एंड ब्लोइंग हार्ट हुँ, हुँ, इस तरह से विंड उसको क्या करने लगी पफिंग चिक्स एंड ब्लोइंग हार्ड उसने अपने चिक्स में इतनी हवा भर ली और ब्लोइंग हार्ड बहुत ज़ोर से वो फूकने लगा एकदम सख्त मुश्किल तरीन तौर पे वो फूकने लगा मैन सेज हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ तो अब उस मैन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसे लगा कि मौसम थोड़ा सा खराब हो गया है और अभी क्या है बहुत जो हवा चलने लगी है हाउ स्ट्रांग द विंड इज़ टुडे आज जो हवा कितनी स्ट्रांग है इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे ये क्या कर सकती है मेरे कोट को उड़ा ले जा सकती है तो मैं क्या करता हूँ आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ तो मैं ऐसे मेरी कस के पकड़ता हूँ ताकि ये उड़ ना जाए देन विंड ब्लोइंग हार्डर देखिए यहां वर्ड फर्स्ट आया था हार्ड उसके बाद यहाँ फिर आया है हार्डर मतलब पहले से भी ज्यादा अब विंड ब्लो करने लगी है इस तरह से वो ब्लो करने लग गई देन मैन पोलिंग कोट मोर टाइटली अब पहले तो उसने टाइटली पकड़ा था अभी देखिए यहाँ उसने मोर टाइटली और ज़्यादा टाइट पकड़ लिया अपने कोट को एंड देन सेज हाउ कोल्ड इट इज़ अरे बाप कितनी ठंडी है आज विंड सेज सन आई गिवअप आई कैन नाट गेट इज कोट ऑफ अब वो देखते जा रहा है कि जैसी जैसी और जोर से फूकने लगा वो जो मैन है अपने कोट को कस के पकड़ने लगा कस के पकड़ने लगा तो अब उसका कोट उड़ने का या निकालने का कोई चांस बाकी नहीं था ऐसे में विंड को पता चल गया कि उसकी जो ताकत थी वो कम पड़ रही है और उसने मान लिया सन के आगे और उसने बोला सन आई गिव अप आई कैन नॉट गेट इस कोट ऑफ तो उसने हार मान ली और उसने ये छोड़ दिया देन सन से इज नाव इट इज माई टर्न अब सन बोलने लगा ठीक है तुम हार गए नाव इट इज़ माई टर्न अभी मैं देखता हूँ मेरी बारी है लेट मी ट्राई ही शाइन्स हार्ड तो अब सन की बारी है तो सन क्या करेगा सन तो ब्लो नहीं करेगा हवा नहीं चलाएगा तो उसके पास जो पावर थी खुद की शाइन हार्ड करने की तो वो करने लगा ही शाइन्स हार्ड देन मैन सेज वोट अ फनी डे इट वॉज़ सो कोल्ड एंड नाउ इट इज़ सो हॉट अब मैन हो गए परेशान ये ऐसा कैसा फ़नी डे कितना फ़नी डे है ये अभी तो इतनी मुझे ठंड लग रही थी मैं कोट को कस के पकड़ रहा था और अभी के अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो वो थोड़ा सा क्या हो गया है बहुत ही सरप्राइज हो चुका है देन सन शाइनिंग हार्ड पहले तो वो क्या किया था उसने शाइन्स हार्ड अब यहाँ शाइनिंग हार्ड और पहले से भी ज़्यादा उसने अपनी रोशनी बढ़ा ली चमकने लग गया एंड देन सेज़ आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर तो मैं उसे क्या कर सकता हूँ बहुत ज़्यादा गर्म गर्म फील करा सकता हूँ पहले से ज़्यादा गर्म हॉटर यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है हॉट से भी ज़्यादा हॉटर देन मैन वाइपिंग हिज फेस अब जैसे ही सूरज की जो है गर्मी बढ़ गई अब उसके पसीने छूटने लगे देन मैन वाइपिंग हिज फेस तो वो जो मैन था अपना फेस वाइप करने लगा पहुँचने लगा आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट और बोलने लगा कि अब मुझे ये कोट उतारना ही पड़ेगा देन सन सेज विड आई हैव वन आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट तो इस तरह से सन ने बोला कि विंड देखो मैं जीत गया और मैंने क्या कर दिया इसका कोट उतार दिया तो इस तरह से क्या हो गया ये स्टोरी फिनिश हो गई तो विंड ने क्या किया था ऐसे ही घमंड किया था अपनी ताकत पर लेकिन सन के पास इतनी ताकत हो के भी उसने घमंड नहीं किया और वो फाइनली जीत गया ठीक है सो दिस स्टोरी एडेप्टेड फ्रॉम एज ऑफ फेबल्स ओके नाउ अभी हम देखेंगे इसके न्यू वर्ड्स फर्स्ट वर्ड इज रोड मीनिंग अ वाइड वे लीडिंग फ्रॉम वन प्लेस टू another, स्पेशली वन विद a स्पेशली prepared सरफेस which व्हीकल्स कैन यूज़ तो रोड किसे बोलेंगे हम सड़क को एक वाइड वे होता है वो क्या करता है वन प्लेस से दूसरे प्लेस को जोड़ता है और स्पेशली उस सरफेस पे क्या चलती है गाड़ियाँ वगैरह चलती है तो उसे हम रोड कहेंगे Then नेक्स्ट वर्ड कोट मीनिंग an आउटर गारमेंट with sleeves, worn outdoors and typically extending below the hips. तो कोट हम इसे कहेंगे कि ये ऊपर से पहना जाता है आउटर गारमेंट और ये फुल होता है और ये अक्सर क्या होता है कमर के नीचे तक होता है उसे हम कोट कहते हैं देन नेक्स्ट क्विकली मीनिंग एट अ फास्ट स्पीड रैपिडली मतलब तेज़ी से उसे हम कहेंगे जल्दी तेज़ क्विकली को नेक्स्ट वर्ड स्ट्रोंगर ये स्ट्रॉन्गर जो वर्ड है स्ट्रोंग को कंपेयर करने के लिए यूज़ हुआ है तो स्ट्रॉन्ग का मीनिंग हैविंग द पावर टू मूव हैवी वेट्स और परफॉर्म अदर फिज़िकली डिमांडिंग टास्क तो ये क्या होता है एक पावर होता है किसी भी चीज़ को उठाने का तो और कोई भी काम करने का तो उसे हम कहेंगे स्ट्रोंग नेक्स्ट चिक्स आपको तो पता है चिक्स का मतलब आई द साइड ऑफ द फेस बिलो द आई आंखों के नीचे के हिस्से को हम क्या कहते हैं चिक्स मतलब गाल देन नेक्स्ट वर्ड वोन ये है पास्ट पार्टिसिपल है विन का विन का मतलब है अ सक्सेसफुल रिजल्ट इन अ कॉन्टेस्ट बेट और अदर इंडिवर अ विक्ट्री तो उसे हम कहेंगे विन ये जीत कहेंगे हम इसे देन वॉट इज इन दिस पोएम राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स आए थे वो अभी हम देखेंगे बन होल्ड बोट फैन सनी पॉट तो चलिए देखते हैं बन के लिए राइमिंग वर्ड इसमें आया था सन होल्ड कोल्ड बोट कोट फैन मैन सनी फनी पॉट हॉट तो ये राइमिंग वर्ड्स इस स्टोरी में हमने देखे थे अब हम देखने वाले हैं डूइंग वर्ड्स जो इस स्टोरी में बहुत सारे डूइंग वर्ड्स आए हैं जिनमें कुछ ना कुछ एक्शन दिखाई देती है उन वर्ड्स को हम डूइंग वर्ड्स कहते हैं जिससे पता चलता है कि कुछ ना कुछ काम यहाँ चल रहा है चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से वर्ड्स आए थे इसमें फर्स्ट वर्ड इज़ वॉकिंग मीनिंग चलना देखिए किस तरह से वॉक कर रहा है नेक्स्ट वर्ड इज़ स्माइलिंग मीनिंग मुस्कुराना हंसना नहीं कहेंगे इसे हम मुस्कुराना कहेंगे हंसने को हम लाफिंग कहेंगे देन नेक्स्ट आया था इसमें डूइंग वर्ड जिससे हमें पता चल रहा है कुछ हो रहा है यह है ब्लोइंग मीनिंग फूंक माना इस तरह की कि ये किस तरह से ब्लो कर रहा है उस लीफ को आफ्टर दैट पुलिंग मीनिंग आपको पता है पुल करना मतलब खींचना और यहाँ खींचने का काम चल रहा है तो ये है डूइंग वर्ड्स पुलिंग आफ्टर दैट इस स्टोरी में और भी बहुत सारे वर्ड्स आए हैं जिसने आपको भी ढूंढना है जैसे कि पफिंग ये देखिए किस तरह से ये हवा भर रहा है साँस से फूल रही है इसकी तो ये पफिंग कर रहा है देन नेक्स्ट नेक्स्ट है वाइपिंग वाइप करना तो आपको पता है पहुँचना इस एलिफेंट को देखेंगे तो ये किस तरह से अपना जो फेस है वो वाइप कर रहा है देखिए तो ये सारे कौन से वर्ड्स है डूइंग वर्ड जिनसे हमें पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ एक्शन वहाँ चल रही है और एक वर्ड यहाँ आया था शाइनिंग ये देखिए शाइनिंग स्टार्स किस तरह से चमक रहे हैं ये शाइनिंग तो इस स्टोरी में हम ने ये सारे राइमिंग वर्ड्स देखे डूइंग वर्ड्स देखे ठीक है तो कैसी लगी आपको यह स्टोरी पसंद आई ना ओके तो इस क्लास में आ, हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एक नई स्टोरी या फिर नई पोएम के साथ तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू